take out your book and open page number 73. 73. Students, today we will start our new lesson, that is lesson number 24. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेसन है स्टूडेंट्स. शॉर्ट फॉर्म, यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. हमारा लेसन 24 का नेम क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स. शॉर्ट फॉर्म्स वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट्स. हाउ? लुक हियर, वी ऑफन यूज शॉर्ट फॉर्म्स व्हेन वी स्पीक टू वन अनदर. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तब हम कई बार शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं. अगर मैम आपको कोई क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, तब बोलते हो ना, मैम आई एम फाइन, आई एम फाइन. तो आई एम आई देन ए एम एम की जगह आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं. हाउ? पहले आई लिखो, अपोस्ट्रोफी करके सिर्फ एम लिख दो. आई एम फाइन का शॉर्ट फॉर्म है आई एम फाइन. लुक हियर, सी एग्जांपल्स. आई एम, तो आई एम को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आई देन अपोस्ट्रोफी करके एम. आई एम, आई एम. नेक्स्ट देखो सर, यू आर. यू आर का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? यू आर का शॉर्ट फॉर्म यू के बाद अपोस्ट्रोफी यानी कि ऊपर कोमा करके आर ई. यू आर, यू आर, यू आर, यू आर. बोलते हम वही है, प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है यू आर, बट हम एक वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. लुक हियर नाउ, समटाइम्स वी यूज शॉर्ट फॉर्म्स इन रिटन इंग्लिश बट दे आर मोस्टली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश. यस, कभी कभी हम शॉर्ट फॉर्म्स इंग्लिश राइटिंग में लिखते हैं, बट मोस्टली वो यूज किस में होता है? स्पोकन इंग्लिश में. ये सभी वर्ड्स स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं. ये सभी शॉर्ट फॉर्म्स अभी मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपको रफ बुक में बाय हार्ट 3 times प्रैक्टिस करनी है. सबको करना है ये. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट फॉर्म्स, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से वर्ड्स का कैसे शॉर्ट फॉर्म बनता है. वो ये सभी वर्ड्स आप लोग रफ बुक में 2 times या 3 times फिर बाय हार्ट लिख के सब प्रैक्टिस करोगे. ओके स्टूडेंट्स, लुक हियर, आई एम, आई अपोस्ट्रोफी एम, अपोस्ट्रोफी यानी कि ऊपर कोमा करना है, आई के बाद कोमा अपोस्ट्रोफी एम. आई एम, ही इज, लास्ट में इज है ना स्टूडेंट्स, लास्ट के वर्ड देखो, आई एस में लास्ट एस है, तो अपोस्ट्रोफी करके वही एड कर देना है. ए एम में एम है, तो देखो अपोस्ट्रोफी करके सिर्फ एम, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है. ही इज, शी इज, शी इज, बोलते तो वही है, शी इज, शी के अपोस्ट्रोफी करके एस, अपोस्ट्रोफी कोमा देन एस. इट इज, आई विल अपोस्ट्रोफी कोमा एस. आई विल, आई विल, आई अपोस्ट्रोफी कोमा, एंड देखो लास्ट में 2 है, डबल ए, तो डबल ए एड हो गए ना यहाँ पे. यू विल, यू लिखना है, अपोस्ट्रोफी कोमा करना है एंड देन डबल ए. यू विल, दे लिखना है अपोस्ट्रोफी कोमा ऊपर एंड देन डबल ए. दे विल, ही विल, ही अपोस्ट्रोफी कोमा एंड देन देखो विल का डबल ए है, तो डबल ए ऐड कर देंगे. ही विल, लास्ट जो वर्ड है ना फ्रेंड्स, वही ऐड करना होता है हमें. सेकंड जो होता है ना, इज में एस है, तो देखो एस लिया हमने, इट तो वही रखा है हमने. बहुत इजी है. शी विल, शी अपोस्ट्रोफी कोमा डबल ए, शी विल. We are, we apostrophe comma R E. देखो last 2 words R E. ए भूल जाओ R E. We are.
वही सेंटेंस लिखेंगे, पिंक कलर से जो वर्ड हाइलाइटेड है उसका हमें शॉर्ट फॉर्म करके लिखना है। तो अभी आप मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।